बारिश का मौसम शुरू हो जाए और ऐसे में पकौड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो आज मैं आप सभी के साथ प्याज के पकौड़े की बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। आप कोशिश करिएगा कि प्याज जो हो इसी तरीके से बड़े साइज़ के हों। तो इन प्याज को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और इसको मैंने जो है वो धो लिया है एक बार। तो चलिए अब हम प्याज को कट करते हैं। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं करना है और ना तो बहुत ही पतला कट करना है, एकदम मीडियम साइज़ का हमें प्याज को इस तरीके से गोला गोला कट करना है। जैसे हम सलाद के लिए कट करते हैं वैसे ही हमें प्याज को कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से प्याज को कट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी प्याज को कट करना है। तो नॉर्मली हम जब भी प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो उसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है और वो जो प्याज जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। पर आज जो तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इसके आज आपकी प्याज के पकौड़े जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार होंगे। तो सभी प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पतला किया है और ना तो बहुत ज़्यादा मोटा स्लाइस किया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्याज के जो ये लच्छे हैं इसको हमें निकाल करके अलग करना है। बहुत ज़्यादा बारीक वाला हमें नहीं निकालना है, जैसे छोटे वाले पार्ट होते हैं उसको नहीं निकालना है। जितने बड़े लच्छे जब तक आपसे निकल रहे हैं उतने लच्छों को आप निकाल करके अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी प्याज के लच्छों को निकाल करके अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं साइज़ में थोड़े से बड़े वाले भी हैं और थोड़े से छोटे वाले भी हैं। तो अब हमने यहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में हम यहाँ डालेंगे बेसन। तो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। चार चम्मच हमने बेसन डाला है और 4 चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप आरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को डालने के बाद स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, हरे वाले मिर्च ले लिया है तीखे के लिए, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी मुझे कम लग रहा था तो मैं बाद में थोड़ा सा हल्दी इसमें और डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा डाल देते हैं और बाद में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अब बेसन जो है वो और ऐड कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसीलिए हमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे कि प्याज के ऊपर एक पतली सी लेयर लग जाए, इसकी कोटिंग हो जाए, वह उतना ही हमें इसको मिक्स करना है। तो लगभग 1/2 कप पानी मुझे लगा है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने में और एक देख सकते हैं ये हमारे लच्छे जो हैं अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही और एक एक लच्छे को उठाते जाएँगे और इस तरीके से तेल में हम डालते जाएंगे। इस तरीके से पकौड़े बनाने से आपके जो प्याज के पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार भी हो जाते हैं। नॉर्मली आपने प्याज के पकौड़े बनाए होंगे तो आपने देखा होगा प्याज को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इस तरीके से आप प्याज के पकौड़े बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक के तैयार भी हो जाते हैं और एकदम अंदर तक बन के तैयार हो जाते हैं। तो एक बार आप सभी भी बरसात के मौसम में इस रेसिपी को यानी इस तरीके से प्याज के पकौड़े को बना करके ज़रूर ट्राई करिए। और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तब भी, अगर अच्छी ना लगी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमारा ये एक बैच बन करके पकौड़े का तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रिंग वाले हमारे प्याज के पकौड़े कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही, और यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में ये तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इसको पहली बार ही बनाया था और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था। तो इस तरीके से मैं दूसरा वाला बैच भी इसमें डाल करके तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसको डालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, इनको पलटने में भी दिक्कत नहीं हो रही है और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार भी हो जाते हैं। तो मेरे कहने से एक बार आप सभी भी इसी तरीके से प्याज के पकौड़े ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन माने आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए हमारे सभी प्याज के पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, मैं तो इसको खाती चली गई थी। और ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ, तो ये टूट भी रहे हैं लेकिन अपने प्रॉपर शेप में भी आ जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में भी, और खाने में तो इसका स्वाद आप पूछिए मत। इसको आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, इस तरीके से सॉस के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।